दार्जिलिंग से मनोज्ञा हमारे साथ हैं, स्टार फुटबॉलर वहां से हैं। मनोज्ञा, क्या कहेंगे टीएमसी के उम्मीदवार? सबसे पहली बात तो 90 मिनट में भले ही उन्होंने बहुत सारे मैचेस जीते हों, लेकिन 90 दिन की कैंपेनिंग में उनका क्या कमाल होगा, इसका फैसला जनता करेगी। ये पूरी तरह जनता पर निर्भर है कि आखिरकार वो तृणमूल कांग्रेस के फेवर में वोट करती है या फिर मोदी की लहर फिर एक बार यहाँ पर कारगर साबित होती है। क्योंकि इस सीट पर लड़ाई सिर्फ SS अहलूवालिया या भाईचुंग भूटिया की नहीं है, ये मोदी बनाम ममता लड़ाई है। और ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अब तक की लड़ाई में हमने देखा है कि SS अहलूवालिया की ये पहली लोकसभा कंटेस्ट है और उसके साथ साथ भाईचुंग भूटिया भी पहली बार राजनीति के मैदान में उतर रहे हैं। लिहाजा सारे फर्स्ट टाइमर्स जब इस बार लड़ाई में हैं तो मोदी बनाम ममता की इस लड़ाई में हमारे पास वक्त की कमी हो गई है। आप सभी तमाम संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक एक एक खबर पहुंचाने के लिए।